हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी की एक इम्पॉर्टेंट क्लास की ड्रग के बारे में, जो कि हमारी लैक्सेटिव क्लास की ड्रग सेना के बारे में। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ये मान के चलिए ये दो चार उन सिलेक्टेड क्वेश्चन में से है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आना एकदम कंपलसरी है। ये किसी भी मीडियम से आ सकता है। ये क्वेश्चन या तो फोर स्टेप के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, या तो इसके कलेक्शन एंड प्रिपरेशन के बारे में पूछा जा सकता है, या तो इसके ट्रांसवर्स सेक्शंस के बारे में डिस्कस करने के लिए आपसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में एकदम कंपलसरी आना ही है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके फोर स्टेप के बारे में और लैक्सेटिव का मतलब क्या होता है इसके बारे में। अगर आप इसके ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी गई है, वहां पर हमने इंडिविजुअल लेक्चर बनाया हुआ है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेना लीव के बारे में। वहां पर पीडीएफ भी अटैच्ड है, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे उस क्वेश्चन को अटेंड करना चाहिए, इन सब के बारे में वहां पर हमने डिटेल में बताया है। तो आप लिंक को फॉलो करके उसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम मेनली डिस्कस करेंगे इसके फोर स्टेप के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे इसके साइनोनिम्स, इसका बायोलॉजिकल सोर्स, इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट और इसके यूज के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि आखिर लैक्सेटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों, लैक्सेटिव वो ड्रग्स होती हैं, वो मेडिकेशन होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में जो स्टूल होता है, जो फेसिस होती है, उसके इवैक्यूएशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, नहीं समझे, जब किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो जो हमारे लैक्सेटिव होते हैं ये मेडिकेशन क्या करेंगे, वहां पे पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे जो स्टूल का मूवमेंट हो रहा होता है उसका इवैक्यूएशन जो होता है उसको ये प्रमोट करते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया, वैसे एक बार में तो डॉक्टर सहगल को भी नहीं समझ में आया था, लेकिन चलिए आपको एक सरल भाषा में हम उन्हीं से समझवाते हैं कि आखिर ये ड्रग कब यूज की जाती है। क्या हुआ आपको? आई डोंट नो, आई डोंट फील माय इमोशंस सहगल। अरे सरल भाषा में बोलो यार, टट्टी नहीं हो रही है तीन दिन से हमारी। तो ये ड्रग्स इस प्रॉब्लम के लिए यूज की जाती हैं। तो ये तो हो गया लैक्सेटिव हमारा, लेकिन यहाँ पर तीन तरह की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती हैं जो कि लैक्सेटिव के समान इफेक्ट रखती हैं। ठीक है, पहला है लैक्सेटिव, दूसरा है पर्गेटिव और तीसरा है कैथेटिक्स। ठीक है, तो लैक्सेटिव जो है कम पावरफुल होता है, दैट मीन्स ये स्टूल को सॉफ्ट तो करेगा, ठीक है, उसके इजिली एवैक्यूएशन के लिए, लेकिन कम सॉफ्ट करेगा। ठीक है, जो पर्गेटिव होगा ये उससे ज्यादा सॉफ्ट करेगा, और जो तीसरा है हमारा कैथेटिक्स, ये मोस्ट पावरफुल होते हैं। ठीक है, और ये जो स्टूल होगा उसको बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कर देंगे। ये आप डॉक्टर सहगल की भाषा में समझिए। पता नहीं क्या हो रहा है, पानी बह जा रहा है, यहाँ खाया यहाँ निकाला, यहाँ खाया यहाँ निकाला, कुछ करो सहगल, कुछ करो, आराम से आराम से। तो सबसे कम पावर वाला लैक्सेटिव, उससे ज्यादा पर्गेटिव, और तीसरा जो हमारा मोस्ट पावरफुल है, जो पानी पानी कर देता है, वो है हमारा कैथेटिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फोर स्टेप के बारे में। तो इसका साइनोनिम्स है अलेक्जेंडेरियन सेना, हालांकि इसको हम इजिप्शियन सेना भी बोलते हैं, और दूसरा साइनोनिम्स है टिनी वेली सेना, जिसको कि इंडियन सेना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हैं इसके साइनोनिम्स। अगर आप साइनोनिम्स लिखते हैं तो वहाँ पर एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, और केवल इसी क्वेश्चन में नहीं, जो आपके आगे क्वेश्चन वो चेक करेगा उसमें भी आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक है, हालांकि फोर स्टेप में साइनोनिम्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन ये एडिशनल हो जाएगा आपकी तरफ से, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, अगला है हमारा बायोलॉजिकल सोर्स। तो बायोलॉजिकल सोर्स में तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहला होता है कि हम प्लांट के किस पार्ट से ड्रग को कलेक्ट कर रहे हैं, दूसरा उसका बॉटेनिकल नेम क्या है, और तीसरा वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आखिर ये सेना प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है, तो वो है ड्राइड लीव्स। ठीक है, और इसका बॉटेनिकल नेम है कैसिया एक्यूटीफोलिया एंड कैसिया अंगस्टीफोलिया। ये दोनों स्पीसीज हैं जिनसे सेना लीव्स को प्राप्त किया जाता है, और ये दोनों बिलोंग करते हैं फैमिली लेगुमिनेसी से। ठीक है, अगर हम पूरा कलेक्टिवली बोलें तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो जाता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड लीव्स ऑफ कैसिया एक्यूटीफोलिया एंड कैसिया अंगस्टीफोलिया विच इज बिलोंगिंग टू फैमिली लेगुमिनेसी। दोस्तों, यहाँ पर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन जनरेट हो जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इनके बॉटेनिकल नेम से रिलेटेड क्वेश्चन है। केसिया एक्यूटीफोलिया जो होती है इसको हम बोलते हैं अलेक्जेंडेरियन सेना। ठीक है, और जो केसिया अंगस्टीफोलिया है इसको हम बोलते हैं टिनी वेली सेना या इंडियन सेना। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। तो ये तो हो गए इसके बायोलॉजिकल सोर्स। अब हम बात करते हैं इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, कि आखिर इनके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक केमिकल पाए जाते हैं।
तो ये कंटेन करता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, जिसके अंतर्गत आते हैं हमारे सेनोसाइड ए, सेनोसाइड बी, सेनोसाइड सी एंड सेनोसाइड डी। ये है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड जो कि लैक्सेटिव इफेक्ट रखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर पाया जाता है एलवाई इमोदिन, एलवाई रीन एंड कैम्फेरॉल एंड मिराकिल एल्कोहल, ठीक है। तो ये है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब हम बात करते हैं इसके यूज के बारे में। तो इसका यूज जैसे कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक लैक्सेटिव ड्रग है, तो इसका यूज क्या हो जाएगा, लैक्सेटिव, ठीक है। दोस्तों एक यहाँ पर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इसके केमिकल टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर सेना या एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, ठीक है। बॉर्न ट्राइगर टेस्ट जो होता है ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड या सेना के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट द सेना। दोस्तों हमारा यहाँ पर मेन मोटिव आपको समझाना था, जिसके लिए हमने अलग अलग तरीकों को अपनाया है। प्लीज फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।